नमस्कार दोस्तों आइए जानते हैं मंगल ग्रह की खोज कब की गई थी सभी अंतरिक्षयान लोगों को नहीं ले जा सकते हैं उपग्रह और अंतरिक्ष जांच ऐसे अंतरिक्ष यान है जो बिना लोगों के यात्रा करते हैं इनमें से कुछ उपग्रहों का उपयोग अंतरिक्ष का अध्ययन करने के लिए किया जाता है जबकि अन्य का उपयोग दुनिया भर में फोन संदेशों और टेलीविजन चित्रों को ले जाने के लिए किया जाता है अंतरिक्ष जांच पृथ्वी पर कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित रोबोट है इनमें से पहला लूनो खोड रोबोट रोवर्स था जो 1970 और 1973 में चंद्रमा पर उतरा था यूएस चार जुलाई 4 जुलाई सतहत्तर को मंगल पर पहुंची सोजोर्नर पहिएदार रोबोट वाहन था जिसने आसपास के क्षेत्र का पता लगाया पाथफाइंडर और सोजोर्नेर ने तिरासी दिनों तक ऑपरेशन किया और लाल ग्रह मतलब मंगल ग्रह की सतह की सोलह हजार से अधिक तस्वीरें और आश्चर्यजनक ली। सोजरनर अपने छह पर सतह के चारों ओर चट्टान और मिट्टी के नमूनों का विश्लेषण करने और पाथ को जानकारी रिले करने में बहुत सफल रहा जिससे इसे पृथ्वी पर वापस से भेजा गया दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारे वीडियो के आखिरी फैक्ट की तरफ मंगल ग्रह पर उतरने की पहली जांच वाइकिंग एक द्वारा उन्नीस में की गई थी इसने ग्रह की सतह की अद्भुत तस्वीरें धरती पर वापस भेजी लेकिन सोयोरनर की तरह घूम सकती थी तो दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक यू एंड टेक केयर